रूप में देखते हैं अजय मिश्र टेनी को बाहर रखना अभी? देखिए राजीव जी, टेनी का ही उसमें नाम नहीं है, बल्कि अगर दिनेश शर्मा को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश से किसी भी शिक्षा तिवारी उपाध्याय चौबे पांडे किसी का नाम नहीं है। यानी जो लिस्ट जारी हुई है उसमें दिनेश शर्मा को छोड़ के कोई भी शर्मा मिश्रा पांडे चौबे दुबे तिवारी ये सब शामिल नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? तो भारतीय जनता पार्टी ने मगर जो संदेश लोगों ने पढ़ा वो तो ये पढ़ लिया। तो अब अगर अजय मिश्र टेनी का भी नाम इसमें आ जाता है तो ठीक है, अजय मिश्र टेनी भी हो जाएंगे, जैसे दिनेश शर्मा है उस लिस्ट में तो टेनी भी उस लिस्ट में आ जाएंगे। बहरहाल टेनी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी दबाव में तो बहुत ज्यादा है, और मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है अमित शाह वर्सेस योगी जी, उसका प्रभाव भी शायद जो है वो इसमें देखने को मिला है कि टेनी का उसमें नाम नहीं है, क्योंकि योगी जी शायद जो है वो टेनी को नहीं चाहते, क्योंकि टेनी को ब्राह्मणों को नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पेश करना चाहती है और योगी जी चाहते हैं कि वो नेता जो है वो किसी का नहीं होगा, नेता तो मैं ही हूँ, चूंकि नेता तो अकेले योगी जी, मैं तो अकेले वही है। तो गद्दी पे खतरा जब होता है तो फिर ऐसी चीजें बहुत सी होने लगती हैं, उसके निहितार्थ निकाले जाते हैं, जैसे हम लोग भी निकाल रहे हैं, जनता भी निकाल रही है, और जाहिर सी बात है कि हम लोग निकालेंगे ही, चूंकि हमारा काम है निहितार्थ निकालना। अब वो भारतीय जनता पार्टी मंशा रही हो या ना रही हो, लेकिन हमने निकाल लिया उसमें कि दिनेश शर्मा के अलावा उसमें कोई मिश्रा चौबे तिवारी पांडे नहीं है, तो ये एक संदेश हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या वास्तव ब्राह्मण जो है उससे भी वो भी नाराज हो रहे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे थे कि 85 तो हमारा है और 15 में बंटवारा है, तो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर चुकी है कि उस 15 में भी बंटवारा है। अब आज इस समय भर्ती कराया गया अपर्णा बिष्ट जी को भारतीय जनता पार्टी में, तो शॉल ओढ़ाने वालों में दो लोग थे, स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य। अजय सिंह बिष्ट जी जो थे वो थोड़ा दूर को खड़े हुए थे, मतलब शॉल नहीं ओढ़ा रहे थे। तो ये क्या केमिस्ट्री है? इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये केमिस्ट्री क्या है भाई, कि आप अपर्णा बिष्ट को जो है, अगर अजय सिंह बिष्ट शॉल ओढ़ाते तो अच्छा लगता, अब ये दो पिछड़े जो हैं स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य ये शॉल ओढ़ा रहे हैं, तो ये अपर्णा बिष्ट को पिछड़ा साबित करने की कोशिश है या इनको समण बनाने की प्रक्रिया है स्वतंत्र देव सिंह को और केशव प्रसाद मौर्य को? अब ये भी सब सवाल है, मतलब ये मेरे सवाल नहीं है, जो लोग चर्चा कर रहे हैं सब वो सब सवाल है। और जाहिर सी बात है कि चुनाव का समय होता है तो लोग खुराफातें करते हैं कि सवाल में सवाल जो है इस तरीके से निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये लिस्ट भी जो है प्रचार प्रचारकों की, अब जब स्टार्टअप पेज ही नहीं सज रहा है तो ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट का क्या मतलब है भाई? 22 के बाद अगर चुनाव घोषित कर दे कि भाई ठीक है स्टेज सजेंगे तो ठीक है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी आ जाए, अच्छी बात है, लेकिन अभी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है इसका भी अभी कोई मतलब नहीं है। देखिए भूपेश बघेल जी जो है वो गए थे प्रचार करने के लिए, बंद कमरे में उन्होंने मीटिंग करी चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक जो प्रक्रिया है, और सुना जाता है कि यहाँ नोएडा में उनके खिलाफ जो FIR दर्ज हो गई। तो जब ये परिस्थितियां हैं तो फिर ये स्टार प्रचारकों की आवश्यकता क्या है? मतलब इसका स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी है इसका एक संदेश जो है वो ये देने की कोशिश की जाती है कि हमने फला जाति का फला नेता जो है हमने उतार दिया है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई संदेश था, और इस संदेश में भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा पिछड़ गई है, क्योंकि अगर इसमें टेनी को शामिल कर लेते कि नहीं और मिश्रा जी पांडे जी को भी शामिल कर लेते तो एक संदेश जाता, लेकिन जो लिस्ट आई है मतलब यूपी से उसमें नहीं आया, हालांकि नितिन गडकरी जी का नाम है उसमें, मतलब वो गडकरी जी को लोग पांडे मिश्रा वाली श्रेणी ही है उनकी, वो नहीं जोड़ते, मतलब मालूम नहीं पड़ता है कि वो पांडे मिश्रा वाले हैं, लेकिन है वही तो नाम तो है, मतलब एक नाम और है, लेकिन वो यूपी से मतलब जो है वो अकेले दिनेश शर्मा का उसमें नाम है, और दिनेश शर्मा को लखनऊ में भी कितने लोग जानते हैं और नोएडा में कितने लोग जानते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी में जो माननीय विधायक लोग हैं वही कितना जानते हैं, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये लिस्ट का मुझे लगता है कोई मतलब ऐसे कोई मकसद नहीं है, लेकिन बस ये संदेश देना था कि ये है, तो वो संदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जी जी ये संदेश आगे पता नहीं अजय मिश्र